हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट में 1990 में आए हुए एक क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार द विस्कॉस फोर्स एक्टेड बिटवीन लिक्विड्स ऑफ लेयर्स ऑफ एरिया ए, यानी कि लिक्विड्स ऑफ लेयर्स यानी कि द्रव की परतों के बीच, यानी कि जिन परतों का क्षेत्रफल ए है यानी कि एरिया ए है, उनके बीच जो विस्कॉस फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि वेग प्रवणता डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स है, तो उसके लिए यानी कि उन लेयर्स के लिए जो विस्कॉस फोर्स लग रहा है, इस फार्मूले से दिया जा सकता है। यानी कि फार्मूला क्या है, एफ इक्वल ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, यानी कि एफ बराबर ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स के द्वारा लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में लगने वाले विस्कॉस फोर्स को इस फार्मूले से दिया जा सकता है, जहां पर ईटा को हम लोग कहते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, द्रव का श्यानता गुणांक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इनका निकालना है, यानी कि श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र निकालना है। तो भाई बताइए, तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, एफ इक्वल इंटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये फार्मूला पढ़ा है। आपको डायमेंशन किसकी निकालनी, इंटा की। क्या करोगे, एफ ऐसे रखोगे, डेल्टा एक्स डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए और डेल्टा वी इनटू में है, ये डिवाइड में आ जाएंगे, इक्वल इंटा, हाँ है ना। आप क्या करोगे, डायमेंशन लिखो एफ, आपको याद होनी चाहिए एफ की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होती है, डेल्टा एक्स एक प्रकार की डिस्टेंस है, ए एरिया है, एरिया के लिए एल स्क्वायर लिखेंगे लेंथ टू ब्रेथ से, डेल्टा वी क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए देंगे एल टी माइनस वन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, चलिए ऊपर ऊपर का फैसला करते हुए, यहाँ एल की पावर एक, यहाँ एल की पावर एक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल की पावर टू टी माइनस टू, ये ऊपर वाले के लिए हो गया, अपॉन नीचे बताइए एल की पावर थ्री टी माइनस वन, एल की पावर थ्री टी माइनस वन, और ये सब किसके लिए निकल रहा है, ये सब आप निकाल रहे हो इंटा के लिए, ठीक है। आप क्या करोगे, चलो भाई बताओ एम का कोई पोर्शन ऊपर नीचे है यहाँ पर, तो एम पहले लिख लो, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही, अब सुनो, ये एल की पावर प्लस थ्री है, ऊपर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये माइनस थ्री और प्लस का टू, यानी कि ऊपर आ जाएगा माइनस का वन, ठीक है, और ये माइनस का वन है, ऊपर जाएगा प्लस का वन बन जाएगा, तो प्लस का वन माइनस टू से हटेगा, तो ये आ जाएगा टी माइनस वन, हाँ ना, इक्वल ईटा। अब बताइए भाई इसमें कौन सा फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला सही है, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, ए ये वाला सही है, सही है। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह के एक अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि नीट में आया हुआ होगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।